उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। बात करें कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की, तो इन इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में भी धूप न खिलने से दिन भर लोग ठंड में ठिठुरते रहे। मौसम विज्ञानियों की माने तो आज के मौसम में अधिक ठंडक बनी रहेगी। इसके साथ ही कुछ जगहों पर बादल भी छाए रहेंगे, तो वहीं कहीं कहीं हल्की बारिश होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछने की वजह से आवागमन बाधित हो गया है। सड़कों के बंद होने से जनजीवन प्रभावित होने के साथ ही कई इलाकों में बिजली और टेलीफोन सेवाएं ठप हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक वैष्णो देवी भवन सहित आसपास के क्षेत्रों में बीती रात से भारी हिमपात हो रहा है, जिसे देख दर्शनों को आए श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आए। वैष्णो देवी भवन पर करीब 10 इंच और भैरव घाटी के साथ ही सांझी छत पर 1 फुट तक बर्फबारी हुई है। वहीं कश्मीर घाटी में बर्फबारी के कारण कश्मीर विश्वविद्यालय की आज और कल होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। पिछले 2 सप्ताह के भीतर यह दूसरा मौका है जब हिमपात की वजह से विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। इसके अलावा श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग भी वाहनों के आवागमन के लिए बंद होने के साथ ही घाटी का जम्मू सहित कई इलाकों से सड़क संपर्क पूरी तरह कट गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित ऊपरी इलाकों मनाली, कुफरी, नारकंडा में ताजा हिमपात और निचले क्षेत्रों में लगातार बारिश होने के कारण ठंड काफी बढ़ गई है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई है। तो उत्तर भारत पूरी तरह सर्दी के आगोश में है। पहाड़ों में जहां स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर्यटक बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।